तो ये आरटीओ वगैरह चार्जेस नहीं लेंगे शोरूम वाले आपके, अगर आप दूसरे स्टेट से ले रहे हो बाइक। और भाई पहले दिन ही अपनी बाइक में इशू आ गया है, 20 किलोमीटर चलाई है लेकिन भाई 4 घंटे हो गए हैं बैठे हुए सर्विस सेंटर में। ये अपनी ये खड़ी स्पीड 400 निकल पड़े हैं भैया हम अपने घर से, क्या करने, डिलीवरी लेने। कौन सी बाइक की? ट्रायम्फ स्पीड 400 की। 270 किलोमीटर लगभग है यहाँ से, तो हम सुबह सुबह निकले हैं, अभी टाइम है 6:40। टारगेट है 4 घंटों में 270 किलोमीटर करना, और वो भी अपनी एक्सपल्स पे। सबसे देखने में अच्छी सी लगती है वो, आ गई देखो, ये व्यू अच्छा है भाई, देखो बीच में फ्लावर। भाई वेलकम टू चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल। ये है अपना रूम जो है 900 रुपये में। लो भाई अभी हम निकल रहे हैं शोरूम के लिए डिलीवरी लेने। दोस्त नीचे बाइक पे खड़ा है, वो बाइक को स्टार्ट करके पूरी एक्साइटमेंट में बैठा है, अभी बस निकल रहे हैं बाइक लेने के लिए। चलो भाई दिखाते हैं, अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगा अभी आपको शोरूम में चल के क्या कुछ होता है। डिलीवरी अपनी बाइक की हो चुकी है, अभी बंदा खुश हो रहा है पूरा बाइक लेके। हाँ लो भाई अभी जोर से मारना, जोर से। लो भाई अभी बाइक डिलीवर वगैरह सब हो चुकी है, मस्त हो चुका है अपना ट्रायम्फ चंडीगढ़। अभी बाहर निकल रहे हैं बस निकलने के लिए। देखो भाई अपनी बाइक, अभी सारा कुछ हो चुका है यहाँ ऑफिशियली काम, तो फाइलें वगैरह अभी खींचेंगे, एक हफ्ता बोल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। अभी बीच में रुक के आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कहीं अच्छी सी जगह, अभी बाइक वाइक पूरी दिखे ढंग से सारी सेटिंग हो। अरे भाई हैंडल भी टाइट है, ले चला ले। कहाँ गई ठीक है ना? अच्छा इस पर सेंटर स्टैंड नहीं है ना? ओके चलते हैं। लो भाई देखो अपनी बाइक का व्यू जो आज डिलीवर हुई है। आ जा चल, क्या हो गया क्या? अरे तेरा यही बंद होता है यार, ये तो ऐसी था। अरे तेरा साइड स्टैंड नीचे होगा। अभी इसको बंद कर दिया। हाँ फर्स्ट गियर पे होगी। हाँ अरे वो तो होता ही है, रेस देकर थोड़ा दबा के रखो यहाँ, तो दबा के रखो उसको। मिसिंग मार रही है अभी। नई बाइक है, चलो बाद में करेंगे। चल ओ भाई अपनी बाइक हो चुकी है रेडी, अभी डिलीवरी होके आई है। अभी बस 2-3 किलोमीटर आए हैं अभी। भाई देखो मस्त लग रही है ना बाइक, लुक्स वाइज भाई क्या ही अलग ही लेवल है भाई इसके। बस वो बंदा बोल रहा है कि वो मेरी एक्सपल्स चला रहा था, तो उसको थोड़ी गियर चेंजिंग में थोड़ा इशू हो रहा है, जैसे इसका थोड़ा राइडिंग पोस्चर थोड़ा अग्रेसिव है, उसमें तो सोफे जैसे बैठते हैं अपने एक्सपल्स में, और ये थोड़ा पीछे रेसिंग वाला थोड़ा लगता है। बाकी भाई बाइक तो मस्त है। देखो भाई ये है हमारी ट्रायम्फ स्पीड 400। एग्जॉस्ट थोड़ा ऐसी कलर का हो गया, पहले ऐसे ही था, अभी गर्म हो गया। अभी थोड़ी देर चलाई थी तो फ़ैन ऑन हो गया था, थोड़ा ही चलता फ़ैन और बंद हो गया था खुद ही। अभी मैं बताता हूँ आपको पूरा प्रोसेस क्या हुआ, क्योंकि हम पंजाब का नंबर चाह रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी दूसरे कैमरे में स्विच करते हैं और बताता हूँ आपको पूरा प्रोसेस क्या हुआ। भी डिलीवरी का प्रोसेस आपको पूरा ढंग से समझाऊंगा, थोड़ा टीडियस प्रोसेस है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट से ले रहे हो तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अभी मैं। पहले तो भाई हमने जब बुक करवाई डे वन में, तो उसके कुछ टाइम बाद जब अवेलेबल हुई बाइक शोरूम में, तो हमने शोरूम विजिट किया। उसके बाद
विजिट करने के बाद आप कंफर्म करोगे डिलीवरी कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, फिर बाद में वो कुछ टाइम बताएंगे आपको कि कब आपको बाइक मिलेगी। तो आप हाँ, अगर आप बुकिंग में आपने कोई डिफरेंट कलर दे रखा है कि आपने ब्लैक ले रहे हो या फिर रेड ले रहे हो, और आपको देखने के बाद आपको कोई डिफरेंट कलर लेना है, जो बाइक स्विच करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। हमने ऐसी ब्लैक बुक करी थी और फिर बाद में हमने रेड, हमें ज़्यादा देखने में अच्छी लगी तो हमने रेड का कन्फर्म किया उनको। ये कैश पूरा नहीं लेते, ये बोलते हैं कि 1.9 लाख कुछ कैश लेंगे और बाकी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा या कैसे भी करोगे। हमने IMPS से किया था तो लगभग हमारा पेमेंट तो हो चुका था 5 मिनट में ही, पर उस पेमेंट को पूरा प्रोसेस करने के लिए इन्होंने लगभग 5-6 घंटे लगाए हैं। जब हमें डिलीवरी के लिए बुलाया था तो हमने पेमेंट करी, उसके बाद हमारा इन्होंने कुछ टाइम मांगा कि हम 5-6 घंटे में आपको एक फ़ाइल भेजेंगे जो इनवॉइस की थी, आपको ईमेल करेंगे, तो ईमेल करने के बाद आप उस पर साइन वाइन करके आपके इनको भेजोगे। तो हमें तभी बाइक डिलीवर, मतलब जो चेसी नंबर है वो हमें मिल चुका था, बाइक की PDI हो चुकी थी इनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से। तो हमने गए शोरूम में दोबारा बाइक चेक करने के लिए, कोई अपनी तरफ से मन को भी थोड़ा देखना होता है ना कि बाइक सही है, पूरी अच्छी है, डिलीवर हो रही है। तो हम जाके खुद हमने बाइक चेक करी, बाइक पूरी ठीक लगी हमें तो हमने ओके कर दिया। तो उसके बाद हमने जाके पूरी इनवॉइस प्रोसेस पे साइन किया। बाइक इनवॉइस बनने के बाद हमें ये अभी भी हमें फाइलों वाला इशू हो रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ लगेगा इनको, 10 दिन लगेंगे। तो अभी हमारा एक नंबर प्लेट का भी इशू आ रहा है कि अगर आप आउट ऑफ कोई दूसरे स्टेट से ले रहे हो तो ये आपको टेम्परेरी नंबर देते हैं। ये देखो भैया, टेम्परेरी नंबर दिखाओ। देखो ये हमें चंडीगढ़ का टेम्परेरी नंबर मिला है, ये इसकी वैसे तो 6 मंथ की वो होती है वैलिडिटी, पर अगर आप दूसरे स्टेट में चला रहे हो तो हमें ऐसे सुनने में आया है कि 1 मंथ ही आप चला सकते हो। और अभी हमसे सिर्फ बाइक के पैसे लिए गए हैं और इंश्योरेंस लिया गया है जो भी, जो कि यूनाइटेड कंपनी का था करके कुछ, उसका कुछ 23K अमाउंट है इंश्योरेंस का, और जो हमारे चंडीगढ़ ट्रायम्फ कृष्णा शोरूम से मिला है। अभी हमारी बात चल रही थी नंबर प्लेट पे, क्योंकि हम चंडीगढ़ से बाइक ले रहे हैं पर हमने रजिस्टर करवाना है पंजाब में, तो ये RTO वगैरह चार्जेस नहीं लेंगे शोरूम वाले आपके। अगर आप दूसरे स्टेट से ले रहे हो बाइक तो आपको, मेरे को अभी 242 की पड़ी है और जो RTO चार्जेस हैं वो मैं अभी 16,000 कुछ होगा मेरा, वो पंजाब का RTO चार्जेस है 9% कुछ, वो हम मैं अभी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे RTO ऑफिस में जाके मेरे को खुद जमा कराना पड़ेगा। उसके लिए ये मेरे को 10 दिन बाद बोल रहे हैं कि फाइलों पे साइन करके फाइल भेजेंगे, पोस्ट करेंगे, बाय पोस्ट भेजेंगे, और वो फाइल जाके मैं एक 21 और 22 नंबर के फॉर्म को लेके उसमें अटैच करके वो मैं RTO ऑफिस में देनी पड़ेगी मेरे को, और वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं RTO में टैक्स भर दिया मैंने। जो वो रिसिप्ट देंगे वो मेरे को इनको फ़ोटो में भेजनी पड़ेगी और फिर ही ये आगे जाके नंबर प्लेट का अप्लाई करेंगे, जो हमारी बाइक की पंजाब की नंबर प्लेट आएगी, तो वो नंबर प्लेट में के बाद ही फिर बाद में वो RC वाला इशू स्टार्ट होगा, जो 1 मंथ हो रहा है उसमें लगेगा। तो वो RC बनने में लगभग 1.5 मंथ लग जाएगा मेरे को लग रहा है ऐसे टाइम में। तो यही प्रोसेस था हमारा, अभी हमने तो बाइक सही कर लिया, अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन का है, वो बाद में आपको जैसे मॉडिफाई करते रहेंगे वैसे बताते रहेंगे। थैंक यू भाई। लो भाई, आज 18 दिन हो चुके हैं हमारी बाइक ले हुए, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा पेपर मिल जाए बाइक के, पर अभी तक हमें पेपर पोस्ट नहीं करे, बोल रहे हैं कि छुट्टी है, वोटी है, ये है ट्रायम्फ कृष्णा चंडीगढ़ शोरूम की बात है। हमने स्पीड 400 बाइक ली थी तो अभी तक उसके पेपर ही हमें पास पहुँचे नहीं है, क्योंकि हमारे पास पंजाब का नंबर अप्लाई करना है, उसके लिए हमें पेपर चाहिए, फिर रोटेक्स भरना है, और उसकी वजह से हम कहीं घूम भी नहीं पा रहे। तो घूमना तो भाई अभी तब तक पोस्टपोन ही रखा जब तक कुछ हो नहीं आता, रोटेक्स तो एटलीस्ट भर दें, हमारे पास स्लिप हो कि हमने सारा कुछ अप्लाई कर रखा है, पीछे से नहीं आ रही, तो जब तक वो नहीं होता तो कहीं नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि वीडियो अपलोड करूँगा, कुछ अपडेट आए, तो नहीं आ रहा, पर अब करना ही पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अंकल 10 मिनट से बाइक का पूछ रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी भाई बहुत मुश्किल से मिल रही है, जो अभी बुक करवा रहे हैं ना बाइक स्पीड 400 को, बहुत बहुत मुश्किल से बोल रहे हैं कि 1.5 मंथ की वेटिंग है, 1.5 मंथ की, सोच लो एक बाइक को भाई, बहुत डिलीवरी हो रही है, 8-10 एक दिन में हो रही है डिलीवरीज भाई। जहाँ भी जाओ बाइक को तो देखते रहते हैं, न्यू बाइक ट्रायम्फ स्पीड 400 को कितने बंदे मुड़ मुड़ के देखते हैं।
अभी देखो वो कलर चेंज हो रहा है भाई इसका एग्जॉस्ट का। लोग वो बंदा बोल रहा था, एक बंदा वो पूछ रहा था वाइब्रेशन का इशू, कि वाइब्रेशन है क्या, यूट्यूब पे कई बंदे बोल रहे हैं। हमें तो भाई लगा नहीं, बंदे बोल रहे हैं 120 130 पे भी ले गए, कुछ नहीं फील हो रहा, ऊपर चाहे फील होता हो 130 से ऊपर, पर शहर में तो क्या ही भगाना इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा क्या 80 या तो 45 से ऊपर लिमिट है चंडीगढ़ में तो। चलो भाई अभी थोड़ा बाइक में इशू आ रहा था कल ट्रैफिक जाम में, 3-4 सेल्फ मारने पे ऑन नहीं होती, फिर बंद करके दोबारा चलाते तभी ऑन होती है। यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 50-60 किलोमीटर फिर। दे रखा था भाई, पहले दिन ही अपनी बाइक में इशू आ गया है, 20 किलोमीटर चलाई है, इग्निशन प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट गियर में ऑन नहीं होती। अभी बंदे सही काम कर रहे हैं, 5-6 बंदे लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। अभी हम बैठे हैं ये ट्रायंफ का वेटिंग हॉल बोल लो, कुछ भी बोल लो, काम चल रहा है बाइक पे। One eternity later. भाई 4 घंटे हो गए हैं बैठे हुए सर्विस सेंटर में। अब मैं तो अभी बाइक देख रहा हूँ, और जिसकी बाइक है वो बंद ऑफिस का बैठ के। अभी एक और बात पता चली है कि अभी तक मतलब जो अभी न्यू बाइक की ये PDI कर रहे थे उसमें भी सेम इशू आ रहा है। तो जो भी बंदे पहले बाइक ले गए थे वो या तो फिर चेक कर लो, अगर उनमें इशू आ रहा है तो सर्विस सेंटर आके उनको बोल दो कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, तो वो ठीक हो जाएगा। अभी मेरा इशू तो सॉल्व हो चुका है, पर ये अभी भी सब फ्यूल इंजेक्शन इंजेक्टर निकाल के उसको भी चेक कर रहे हैं कि उसमें भी कोई ख़राबी है क्या। अभी चल ही रहा है, अभी भी हमारी बाइक बिल्कुल खाली हो रखी है। अभी दिखाते हैं अभी आपको, देखो ये अपनी ये खड़ी स्पीड 400 रखी है भाई, बिल्कुल नंगा कर दिया उसको, उसका फ्यूल वाली टंकी भी निकाल रखी है। अभी चेक ही कर रहे हैं, अभी 6 बजे शायद आएंगे, सुबह से आए हम तो भाई 11 बजे से। कोई नहीं, क्या हो गया, ठीक हो जाएगी तो हम निकल लेंगे बढ़िया, कोई इशू नहीं आना चाहिए बस। और आप में भी अगर आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी इसको, या तो चक्कर वाली फिर बाद में भीड़ होगी, फिर नेगेटिव चीज़ें फैलती रहेंगी यूट्यूब पे भी। देखो भाई ये अपना सर्विस सेंटर ट्रायंफ का, ट्रायंफ कृष्णा सर्विस सेंटर, यहाँ पे अगर आप कोई भी इशू होता है तो आप आ सकते हो। ये आगे भाई BMW का शोरूम है, उसके पीछे ही है ट्रायंफ का शोरूम, अगर कोई भी इशू आता है तो आप यहाँ पे आके ठीक करवा सकते हो। और भाई अभी टेस्ट राइड करके आ रहे हैं एक बार कि कोई इशू दोबारा तो नहीं आ रहा वो वाला जो आ रहा था हमें। इशू बाइक में ये आ रहा है कि इसको अगर ट्रैफिक लाइट्स पे फर्स्ट गियर में रोक देते हैं तो उसमें स्टार्ट नहीं हो रही, पहले ही आ रहा था, फिर बाद में उन्होंने चेक वैक किया तो बोल रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट आ रखा था, तो ये अपडेट किया है। अब लगभग 30 में से एक दो बार बोल रहे हैं कि अभी उनको आया था, वो अभी घूम के आए थे, अभी टेस्ट राइड लेके आए थे इसकी, मुझे तो आया नहीं अभी भाई। पावर तो इतनी है भाई इसमें, क्या ही बताएं, अंधाधुंध पावर है, कब 50-60 से 100 पहुंच जाती है पता नहीं चलता भाई बाइक का। दोबारा टेस्ट करते हैं भाई, अब तो हो रही है, ऑन हो रही है। अब मेरे दोस्त के घर जा रहे हैं अपनी न्यू स्पीड ट्रायंफ 400 लेके। ये बताओ भाई फ़ोन कैसा लग रहा है, देखो सेटअप में अपने, ये इस साइड इसी लगाया क्योंकि यहाँ से मेरे को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, कि पहले तो डिजिटल चलाते थे भाई, अभी एनालॉग चला रहे हैं तो थोड़ा अलग लगता है, डिफरेंट फील होता है। ये मिरर सही लग रहे हैं अभी तक तो मेरे को, और बाकी एक ज़्यादा यूज़ करूँगा तो भी पता लगेगा। और हाँ भाई आप लोग को बता दिया जाए, जो भाई डिलीवरी लेके जा चुके हैं उनको भी सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ेगा, या तो आप जब सर्विस करवाओगे तब जाके आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवा सकते। जब हम ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं तो फर्स्ट गियर में अगर बाइक बंद कर देते हैं इंजन, अगर इंजन किल स्विच से, अगर बाद में ऑन करके आप सेल्फ मारोगे तो भाई इग्निशन लगता ही नहीं है, 3-4-5 बार जितनी मर्जी मार रहे थे लग ही नहीं रहा था। उन बंदों ने भी ये बात मानी है, उन्होंने वीडियो बना के पीछे भेजी, तो हमें भाई 6 घंटे लगे हैं सर्विस सेंटर में। तो अब वो जो सारी बाइक्स, ये वाला बैच था मेरा, इन सारी बाइक्स में
सॉफ्टवेयर अपग्रेड ही करके ही भेज रहे हैं अब वो। पंखे की भाई गर्म हवा तो लगती है, इंजन गर्म होता है तो वो हवा पीछे फेंकता है तो आपके पैरों में हवा लगती है। मेरे राइडिंग गियर राइडिंग शूज़ पहन रखे हैं राजो वाले मैंने, और जहाँ शूज़ ख़त्म होते हैं ठीक उससे ऊपर आपको हीट थोड़ी लगेगी फील। ये हीट कहाँ फील हो रही है, जहाँ सिर्फ ये ट्रैफिक वगैरह में, क्योंकि अगर आप लंबी राइड कर रहे हो हाईवेज पे हो फिर तो कहाँ लगेगी आपको फील। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ जो ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक में ही लगेगी बाद में आपको।